तो 16th असाइनमेंट के अंदर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताता हूं कितनों ने ट्राई किया किया। आपको ना एक रस्सी गिवन है जिसका मास एम है और लेंथ एल है, और इस रस्सी के आसपास दो फोर्सेस लग रही हैं टी ए एंड टी बी। वो यही क्वेश्चन में कह रहे हैं टेंशन इन द रोप इज टी ए एंड टी बी एट द एंड ए एंड बी। तो ये रस्सी का पीस है, ये टी ए और ये टी बी है, टी बी बड़ा है तो रस्सी कहां मूव करेगी, लेफ्ट राइट। अब हुआ क्या, वो ये कह रहा है कि आपने ग्रेविटी का इफेक्ट लेना नहीं है, टेंशन बतानी है एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाय फाइव फ्रॉम एंड ए। तो ये रहा आपका एंड ए, एल बाय फाइव डिस्टेंस पे आपको बतानी है यहां पर टेंशन क्या होगी। अब रूल नंबर वन, ये टी बी है टी ए, ये इधर मूव करेगा, इस एल बाय फाइव लेंथ का मास क्या होगा। अगर टोटल लेंथ एल है रस्सी की तो मास एम है, वन है तो एम बाय एल है, एल बाय फाइव है तो कितना एम बाय एल इंटू एल बाय फाइव है, तो कितना आ गया एम बाय फाइव। टोटल मास अगर एम है तो ये कितने है, फोर एम बाय फाइव। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से, तो इसका मास है एम बाय फाइव, इसका ये ब्लॉक्स की तरह ट्रीट करो, ये मान लो दो बॉक्स हैं, तो इसका मास क्या है फोर एम बाय फाइव। अब यहां पर अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल दो, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वही इस पॉइंट की टेंशन है। तो अगर यहां पर फोर्स लग रही है टी बी तो यहां पर क्या लग रही है टी सी, और यहां पर लग रही है टी सी और यहां पर क्या लग रहा है टी ए, दो ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट तो हमें किए हुए हैं, तो ये कहां मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ये कहां मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इस पे फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, टी बी माइनस टी सी इज मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी क्या बनेगी टी सी माइनस टी ए इज मास इंटू एक्सेलरेशन। इन्हें साइमल्टेनियसली क्या करना है सॉल्व, सॉल्व करके टी सी आएगा इन टर्म्स ऑफ टी ए एंड टी बी आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें तो घर में आकर ट्राई करना, ऑनलाइन क्लियर है मेथड, यस सर। गूगल ड्राइव पे सारे सॉल्यूशन अपडेटेड है, आप रेफर भी कर सकते हो बाद में। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन और अलग सा क्वेश्चन है, हम इसको एक एक्चुअल तरीके से पहले करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जो विद इन सेकंड क्या वन सेकंड में आंसर देगा, आंसर याद हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन के अंदर एक रस्सी है, फिर से इस रस्सी को आपने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया। जब फ्रिक्शनलेस है मुझे डर है कहीं स्लिप होके या इधर ना चली जाए या इधर ना चली जाए, तो मैंने सोचा सिमिट्री में होगा, बराबर बराबर रस्सियां होंगी तो नहीं जाएगा। पर जब मैंने देखा एंगल डिफरेंट है अल्फा बीटा, तो एक इंक्लाइन प्लेन ज्यादा है और एक कम है, फिर पूरा चांस था कि ये गिर जाएंगी। तो अगर ये गिर जाएंगी या मूव करेंगी तो एक्सेलरेशन बोलो इसकी क्या होगी रस्सी की। हाँ, एक हिंट इसमें गिवन है कि रस्सी का लेवल यहां से ग्राउंड से टॉप से दोनों एंड्स का सेम है। सेम का मतलब है कि अगर ये हाइट लेट अस सपोज एच है और ये लेंथ एल वन है और ये लेंथ एल टू है, मुझे नहीं पता ये लेंथ बराबर है कि नहीं, एल वन एल टू है, तो ये एंगल अल्फा ये एंगल बीटा हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस केस में एल वन की लेंथ का मास क्या आएगा बोलो, एम बाय एल इंटू एल वन, क्लियर है। कैसे, अगर लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाय एल है, अगर एल वन है तो क्या आएगा इंटू एल वन, ऐसे किया था। तो ये इसका मास है, इसका मास क्या बनेगा एम बाय एल इंटू एल टू राइट। अब क्योंकि यहां पे इस ट्राइंगल में साइन अल्फा क्या होगा, एच डिवाइडेड बाई एल वन, तो एच क्या होगा एल वन इंटू साइन ऑफ एल्फा, और इस ट्राइंगल में साइन ऑफ बीटा क्या होगा एच डिवाइडेड बाई एल टू, तो एच क्या होगा एल टू इंटू साइन ऑफ बीटा। ये भी एच है ये भी एच है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, एल वन इंटू साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू एल टू इंटू साइन ऑफ बीटा। ये क्वेश्चन क्लियर है, इसको संभाल के रखते हैं। अब इमेजिन करें एक मिनट के लिए, अब इमेजिन करें कि सपोज ये इसका जो मास है, इसका जो मास है वो कितना था, ये L2 है ये L1 है, M by L into L2, तो इसका वेट क्या होगा M into G, मास into G, और ये फोर्स क्या होगी एम जी साइन ऑफ बीटा, वो एम जी साइन बीटा करते थे ना, मास यहां पर M नहीं है, मास यहां पर ये रहा, और इसकी फोर्स नीचे की तरफ क्या होगी एम बाई एल एल इंटू एल वन इंटू जी इंटू साइन ऑफ एल्फा। तो लेट अस सपोज ये नीचे गिर रही है इधर,
इधर भी गिर सकती है, जो मर्जी मान लो। तो इसमें ये बताओ नेट एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी एम बाय एल एल टू जी साइन ऑफ बीटा माइनस एम बाय एल एल वन इंटू जी इंटू साइन ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास रस्सी का एम है, एक्सेलरेशन आ गई, टोटल नेट फोर्स बाय मास। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर L2 टू साइन बीटा L1 वन साइन एल्फा ये तो बराबर है, अभी किया था ना कि अभी क्या किया था, L1 वन इंटू कितना साइन ऑफ एल्फा वॉज इक्वल टू L2 टू इंटू साइन ऑफ बीटा, एच लेके किया था ना। तो न्यूमिनेटर दोनों का एग्जैक्टली क्या हो गया, सेम। तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, जीरो। आज के बाद ये क्वेश्चन करना नहीं है, शॉर्टकट। अगर आपने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक रस्सी को रख दिया सच दैट हाइट की वैल्यू यहां से दोनों एंड्स की सेम है, तो पक्का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन पक्का क्या आएगी, जीरो। ये नहीं हिलती, ये एक्सपीरियंस है हमारा, हमने देख लिया, अब याद रहेगा हमने कर दिया। करना थोड़ी ना है वापस, एनसीईआरटी में थोड़ा आएगा, कॉम्पिटिशन में आएगा, आंसर आ गया। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर, यस। अब जैसे ये एक क्वेश्चन ये तो किया हुआ है हमने, जी टैन थीटा सूडो फोर्स वाला सेम है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये एक 60 केजी का ब्लॉक है, 60 केजी का ये मैन है या स्टूडेंट है, और ये 70 किलो का स्टूडेंट है। मुझे एक बात बताओ, 60 किलो का स्टूडेंट कभी 70 किलो को उठा देगा रस्सी पकड़ के? कभी नहीं उठा सकता, अगर लटकता रहेगा। इसका वेट है 70 जी, इसका वेट है 60 जी, अगर लटकता रहेगा बिल्कुल भी नहीं उठेगा। क्वेश्चन है बताओ ये कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़े। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर रस्सी पे ए एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन जाके इसको मिलेगी और ये 70 जी को उठा देगा। तो उठाने का मतलब ये नहीं कि उठा के फेंकना है, उठाने का मतलब है अगर आपने हवा में हल्का सा इसके पैर उठ भी गए ना तो हम जीत गए, उठ गया हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जहां गिरता है नहीं गिरता वो देखे, एक बार आपने उठा देना है। जब भी कोई चीज उठती है ठीक, तो जैसे ये 70 केजी जो है ये उठती है हवा में, तो इसका पहले जब नहीं उठी थी तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है 70 जी और रस्सी पकड़ी हुई तो टेंशन टी। जब ये रेस्ट पे है तो टी और एन का सम क्या है, 70 जी का मतलब 700। हवा में उठते ही क्या होगा, हवा में उठते ही एन क्या होगा, जीरो। तो टेंशन क्या आनी चाहिए रस्सी में, कम से कम 700 न्यूटन टेंशन पे ही हवा में उठ जाएगा। तो इस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताओ मैं कितनी टेंशन यहां पे लेके आऊं, कम से कम, ये मत बोलना 900 1000 या 1200, कम से कम कि इसका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए। तो मैंने कहा 700। तो उसने कहा ठीक है जी, काम करते हैं, मैं काम करता हूं, मैं एक्सेलरेट करता हूं, मैं एक्सेलरेट करता हूं विद ए, ये रहा ए, ठीक है, ए के साथ एक्सेलरेट करता हूँ, ये 700 न्यूटन है और ये 70 जी है, तो ऑब्वियसली ये हवा में उठ जाएगा। अब इसकी सिचुएशन क्या होगी, टेंशन 700 है, इसका वेट खुद का 60 जी है, इसको ऊपर जाना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 700 माइनस 60 जी इज 60 इंटू ए। तो सॉल्व कर लेना, यहाँ से ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो तेज चढ़ने से टेंशन बढ़ने से आप उठा सकते हो लेकिन खड़े खड़े नहीं उठा सकते। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि चीजें जब उठती है तो नॉर्मल रिएक्शन को हमेशा क्या लेना है, जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, समझो बॉडी उठ गई हवा से, ठीक। और एक लाइन का ये क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा देता हूँ, घर में प्रैक्टिस कर लेना। साइन थीटा कॉस थीटा क्वेश्चन में गिवन है, बैलून जो है ये रहा 2 kg का ब्लॉक है, टेंशन गिवन है, क्वेश्चन है फोर्स बताओ, एक्स एक्स एक्सेलरेशन बताओ, एक्स में क्या होगी और वाई में क्या होगी। बैलून का कोई वेट नहीं है और हवा चल रही है जिस वजह से बैलून थोड़ा राइट की तरफ है। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में टी टेंशन गिवन है, थीटा गिवन है, तो टी कॉस 30 कॉस ये रहा 30 कॉस थीटा और 30 साइन थीटा। क्वेश्चन में टी गिवन है 30, क्वेश्चन में कॉस थीटा साइन थीटा भी गिवन है, तो समझो ये फोर्स भी गिवन है, समझो ये फोर्स भी गिवन है। तो एक बात बताओ, वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स के अलोंग फोर्स कितनी है, टी साइन 30, टेंशन पता है, साइन थीटा पता है, फोर्स आ गई, इस फोर्स को मास 2 केजी से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आएगी एक्स के अलोंग, एक आंसर। वो कह रहे वाई के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगी, वाई में फोर्सेस बोलो कौन सी हैं, एक फोर्स क्या है टी
कॉस थीटा, और नीचे की तरफ फोर्स क्या है, वेट एम जी, इसका वेट क्या है 2g, ऊपर की तरफ फोर्स क्या है टी कॉस थीटा, तो नेट वेट क्या होगा, नेट वेट होगा एम जी माइनस टी कॉस थीटा, तो नेट फोर्स आ गई। अब आपको इस क्वेश्चन में एम पता है, जी पता है, टी पता है और कॉस थीटा भी पता है, तो ये देखो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या आ गई 4, मास से डिवाइड करके क्या आ गई एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्स में फोर्स निकालो, वाई में फोर्स निकालो, मास से डिवाइड करो, क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन। और ये लास्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है जिसके अंदर एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक रस्सी है, टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो नीचे जाएगा एम जी माइनस टी एम में, ये नीचे आएगा तो टी भी नीचे, एम जी साइन 30 भी नीचे, तो टी प्लस एम जी साइन थीटा इज एम में, यहां से आंसर आएगा। मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं, इसे प्लीज चेक कर लेना।